बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वियर्स, मैं हूँ डॉक्टर गीना शहजादी, माहिर अमराज़ बचगान, माहिर अमराज़ मैदा जिगर आंत स्पेशलिस्ट और एंडोस्कोपी स्पेशलिस्ट। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, गुड हेल्थ में होंगे। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड फॉर योर वंडरफुल एंड अमेजिंग कमेंट्स। आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड एंड ऑनर्ड, और आपका बहुत शुक्रिया। आप चैनल को लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, इसको लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनकी अवाम अन्नास के में आगाही पैदा हो सके कि बच्चों के कौन से अमराज़ के लिए आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है और किन अमराज़ के लिए आपको घर में ही मैनेज किया जा सकता है। पिछली मैंने वीडियो बनाई थी बच्चों में, नौज़ायदा बच्चों में यरकान क्या है और उसकी क्या अलामत हैं। पहले मैंने बताया फिजियोलॉजिकल जॉन्डस, और अब मैं बात करूँगी पैथोलॉजिकल जॉन्डस पर। पैथोलॉजिकल जॉन्डस वो होता है जो कि बच्चे के पहले ही दिन नमूदार होता है और वो किसी भी सूरत नॉर्मल नहीं होता। उसमें बच्चे की पेशाब की रंगत जो है वो ज़रूर देखनी है। बच्चे की पेशाब अगर ज़्यादा गहरे रंग का है, पखाने का या स्टूल का कलर वो नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल बच्चे में जब पैदा होता है तो उसके पखाने का कलर ब्लैक होता है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रीन होता है, फिर वो नॉर्मल येलो फॉर्म में आ जाता है। अगर बच्चे के स्टूल का कलर येलो नहीं है, वाइट है या क्रीमी वाइट है, ऑफ वाइट है, दैट इज़ ऑलवेज़ अबनॉर्मल। उसको आपने ज़रूर नोटिस करना है। और यरकान के साथ अगर पेशाब की पिलाहट जो है वो ज़्यादा हो रही है, बच्चे की आंखें बहुत ज़्यादा पीली हैं, जिसम पूरा पिलाहट बढ़ती जा रही है, तो उस कंडीशन में भी बच्चे को गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाने की अशद ज़रूरत है, क्योंकि इसमें हंड्रेड्स ऑफ कॉजेज हैं कि जिसमें बच्चे को यरकान होता है। उसमें बच्चे की जिगर इन्वॉल्व होता है, जिगर की नाड़ ब्लॉक हो सकती है, न्यूनेटल हेपेटाइटिस हो सकता है, कुछ वायरल इन्फेक्शंस हैं जो कि मदर में हों तो बच्चे में ट्रांसफ़र होती हैं, जिसको हम टॉर्च इन्फेक्शंस या साइटोमेगालो वायरस इन्फेक्शन है, हर्पीस सिंप्लेक्स है जो कि बच्चे के में हेपेटाइटिस कॉज करता है, फिर कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं जिसमें मोस्ट कॉमन ग्लैक्टोसीमिया बच्चों में हम देखते हैं कज़न मैरिजेस की वजह से, जो अगर पेरेंट्स कैरियर हैं तो बच्चे में डिजीज़ नमूदार होती है। फिर टायरोसिनीमियाज़ हैं, वो भी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं जिसमें ख़ास तरह की प्रोटीन बॉडी में मेटाबलाइज नहीं होती और उसकी वजह से बॉडी में टायरोसिन का लेवल बढ़ जाता है। इसी तरह हाइपोथायरॉयडिज़म है, उसमें भी यरकान अगर होता है वो तो ज़्यादा अरसे के लिए रहता है। फिर कुछ सिंड्रोमिक कंडीशंस हैं जिसको डाउन सिंड्रोम है, एलाजाइल सिंड्रोम है, ज़ेलवेगर सिंड्रोम है, एजिनिस सिंड्रोम है, ये वो सिंड्रोम्स हैं जिसमें बच्चे के फेशीज नॉर्मल नहीं होते और इनमें यरकान की शिद्दत आम बच्चों की नस्बत ज़्यादा होती है, ज़्यादा लंबे अरसे के लिए परसिस्ट करता है और इनमें हमें ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर हाइपोथायरॉयडिज़म है वो तो टोटली क्योरेबल है, उसके प्रॉपर एक फेशीज होते हैं, तो अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस होती हैं तो इसमें इन शॉर्ट के आप में बच्चे के पेशाब का कलर, स्टूल कलर जो है उसको एग्ज़ामिन करते रहना है। इसमें जिगर के टेस्ट, ब्लड के टेस्ट होते हैं, माँ का ब्लड ग्रुप बहुत मैटर करता है। अगर माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो बच्चों में यरकान की शिद्दत बढ़ सकती है और इवन एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन या खून की तब्दीली की भी नौबत आ सकती है। इस कंडीशन में मदर को ख़ास तरह के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं जो कि एक प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट ही आपको बता सकती है वो कब लगेंगे और मदर को लगते हैं वो इंजेक्शंस। तो बेबी ब्लड ग्रुप, मदर ब्लड ग्रुप का जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें बच्चे की हीमोग्लोबिन या HBB फॉल कर सकती है, उसको देखना ज़रूरी है। बच्चे की रंगत को देखना बहुत ज़रूरी है। कुछ ख़ास तरह के यूरिन के टेस्ट करवाए जाते हैं जिसमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को रूल आउट करते हैं। फिर इसके अलावा अल्ट्रासाउंड कराया जाता है पेट का, जिसमें जिगर का स्टेटस देखते हैं, गॉल ब्लैडर या पित्ते का स्टेटस देखा जाता है। तो इन कहने का मतलब यही है कि इस कंडीशन में आपने जब बच्चे का यरकान फर्स्ट डे ऑफ लाइफ पे आता है तो उसको ऑलवेज़ ऑलवेज़ डॉक्टर स्पेशलिस्ट को या कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं ताकि बच्चे की प्रॉपर तशखीस हो सके और टाइमली उसका डायग्नोज और टाइमली इलाज हो सके। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। डॉक्टर नगीना साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।